थायराइड है, थायराइड ने लीधे घना बधा वजन घटी जाए, वधी जाए, आँखों बहार निकली जाए, हार्ट ने प्रॉब्लम थाय, पछी स्ट्रक्चर बेलेंस बिगड़े, पछी ऊँग उड़ी जाए, घना बधा प्रॉब्लम थाय। थायराइड ने तमे कंट्रोल ज नहीं क्योर करी शको छो, एनी बाबत आजे वात करीश। एमां सर्वांगासन, एमां ए छोकरी सर्वांगासन करी छे, ए माताजी हलासन करशे, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ग्रीवासन, ग्रीवा संचालन अने उष्ट्रासन, आ बधा फायदो करे। कपालभाति उज्जय सिंहासन करे। आपको कब से था अम्मा? मेरे को लास्ट 10-15 साल से था स्वामी जी। मेरे अभी सितंबर 1 में मेरी जब सर्जरी हुई तब 7 था थायराइड। तो तब डॉक्टर ने कहा कि आपको अगर ऑपरेशन करवाना है तो आपको पहले थोड़ा थायराइड को कम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 100 mg एक महीने के लिए ली। बस वो ऑपरेशन के बाद फिर मैं नॉर्मल अपने ही रूटीन पर अपना जो योग कर योग किया, पंचामृत, ये जो सर्वांग और हल आसन तो मैंने अभी 2 महीने से शुरू किया क्योंकि मेरी कीमो चल रही है। फरवरी कीमो पर भी विजय पाली मैया ने, नाम बोलो अपना, अनीता। अनीता के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैंने क्यूमो से कैंसर पर भी विजय पा लिया। मैंने फरवरी तक मतलब मेरी कीमो चल रही और थायराइड भी ठीक कर लिया। और अब देखो हलासन करती है और 60-62 की उम्र में करो हलासन कर। और इसका बापू भी ठीक हो गया, अब बेटी को भी ठीक कर देंगे। क्या नाम है गुड़िया? नाम बोलो। पाया सिंह। मेरा नाम भरत सिंह है बाबा जी। मुझे पिछले 4 साल से थायराइड था और अभी मेरी दवाई बंद हो गई है। थायराइड की दवाई बंद हो गई। यहाँ के वेट कितना कम किया? यहाँ के बाबा जी 7 किलो कम किया है। कितने दिन में? 4 दिन हो गए बाबा जी। 4 दिन में 7 किलो? भरत ने तो जोरदार कम कर लिया। आप ओढ़ लो बाबू, आपको ठंड लग रही है। वंदना तूने क्या ठीक किया? बाबा जी हरिओम। बाबा जी सबसे बड़ी बात यह है कि थायराइड तो मुझे 28 साल से था लेकिन मुझे थायराइड से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ना मेरा वेट बढ़ा, ना मेरी आंखें बाहर आई। अब कितने दिनों से दवा बंद है? अब तो बाबा जी मैंने यहीं पे आके बंद करी, सच्ची बोलूं। हाँ। मैंने यहीं बंद किया लेकिन मुझे थायरोग्रिट और धनिया लेती रहे ना, धनिया का पानी थायरोग्रिट की दवाई के साथ, क्या करूं बाबा जी? बस अब बाकी ये जो सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, कपालभाति, उज्जायी, सिंहासन, यही करते रहे बाबा जी? मैं करती हूँ रोज रोज करती हूँ। और तेरा क्या हाल है बाबा जी? मैं पहले दिन आई थी तब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, हर जगह मेरे पेन था। फिर बस बाबा जी ने बोला कि सिंघा करवा तो तेरा सब पेन चला जाएगा। और सिंगी करवा ली? हाँ, मैंने सिंगी करवा ली, 3 दिन में हर जगह की करवा ली। अभी आप दर्द का क्या हाल है? दर्द नहीं है, दर्द से तो बहुत राहत है और अंदर से जो मेरी घबराहट होती थी वो सब भी नहीं हो तो रही। पहले दिन तो बड़ी रो रही थी। हाँ, मैं बहुत रो रही थी बाबा जी, तभी आपके पास ना मिलने को आएगी मुझे ना, ठीक कर दीजिए बाबा जी। अब बहुत ठीक हो गई है। हाँ बाबा जी, मेरा नाम किरण बाला साहू है। हाँ। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आई हूँ बाबा जी। मुझे 2012 से ही, जब मैं अपने हस्बैंड को सीएमसी वेलूर लेके गई थी तो वहाँ मैंने अपना कंप्लीट चेकअप किया तो मुझे पता चला बाबा जी कि मुझे थायराइड है। अब क्या हाल है? अब मेरा बाबा जी थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं 2 साल से थायरोक्सिन बंद करके सिर्फ थायरोग्रिट धनिया पानी के साथ ले, धनिया पानी और थायरोग्रिट से जिंदा है 2 साल से और कोई परेशानी नहीं है। और ये भी, ये तो हलासन सर्वांगासन अच्छा करी थी, करके दिखा है? क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा कर रही है भाई, बहुत सरस, एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्हें गुजराती से? हाँ, वापस आ जाओ। सर्वांगासन हलासन कर लेती है। थायराइड का क्या हाल है? थायराइड की अभी मेडिसिन बंद है, 5 से 6 साल हो गए। हाँ। क्या नाम है? जयश्री पटेल। चलो मैं जयश्री पटेल के लिए ताली बजा दो। थायराइड की दवाई बंद है और थायराइड ठीक है। ठीक है। और स्किन के लिए मैं आपके का एलोवेरा जेल लगा, एलोवेरा जेल लगाती। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी 50 से 25 नहीं, छोकरी जेम लागे से तो 25 साल की लड़की जैसी लगती है। तेरा क्या हाल है बाबा जी? मेरे को 2012 में थायराइड हुआ था, मैंने 4 साल में क्लियर कर लिया, 8 साल हो गए दवाई छोड़े हुए। नाक की हड्डी भी बड़ी हुई थी, साथ साथ वो भी ठीक हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, अब ऑपरेशन उसने मना कर ला, थायराइड ठीक कर लिया। बाबा जी आपको देख के सब जवान रहते हैं। तेरा भी मैया, तेरा क्या हाल है? तो सिंगी सुंगी लगवा के आई। प्रणाम बाबा जी। मेरे को 30 साल से थायराइड, इसके ऊपर बाद में हल्दी लगा लेना और है ना। हाँ जी, मेरे को 30 साल से थायराइड था लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ एक भी दिन दवाई नहीं ली। और वजन कितना कम हो गया? 2 किलो तो लो। लोग कहते हैं थायराइड की दवाई बंद कर दोगे वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आशीर्वाद दोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये इसका तो बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है बाबा जी। चरण लागू। हाँ, मैं आपका 15 साल का साधक हूँ।
15 साल से योग कर रहे हैं। 15 साल से मैं और मैंने करो करो कपाल भाती करो। कम से 100 घर में आपका प्रचार किया, सब कर रहे हैं। क्या बात, क्या नाम आपका? मेरा शंकर सालों के। तो यहाँ आए थे तब क्या क्या था बताओ? यहाँ आया तो मुझे शुगर था। कितना शुगर था? 400 के नजदीक। और 400 नजदीक था। और बीपी था 170-90। और थायराइड, तीनों थे। थायराइड 1.9 था। अभी वो थायराइड मेरा योगा से उधर ही बंद हो गया था। लो तो योगा का 15 साल से कर रहा हूं। और शुगर कितनी अब? शुगर अब मुझे 114 आ गई। लो 400 से 114 आ गई। 14 आ गई है। और दवाई? दवाई उधर सब छोड़ दिए। दवाई बंद करके आई है ये है बात। आपका मधुग्रीट लिया, मधुनाशिनी ले लिया। नाम क्या है? मेरा शंकर सालों की। लो भाई शंकर के ऊपर तो भगवान शिव शंकर की कृपा होगी। बोलो हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। मेरे पास 3-4 बच्चे, भगवान शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे पास 3-4 बच्चे डीएमडी के हैं। मेरा नाती उनको भी डीएमडी उनको भी ठीक करेंगे। मैं उनको सबको लाना चाहता हूँ। ले आएंगे। पहला मेरा नाती को प्रयोग करेंगे। करेंगे पर अब कल आपसे मिले थे जरूर। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी यहाँ आई थी, मैं थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस दिन से आई उस दिन से दवाई नहीं खाई। यहाँ थायराइड यहीं पर ही चेक कराया तो थायराइड ठीक आया है और उन्होंने कहा है कि अब आपकी गोली थायरोग्रीट और ये धनिया का पानी पीते रहना। धनिया का सूखा धनिया का भी पानी पी सकते हैं, उबाल के भी पी सकते हैं, भिगो के भी पी सकते हैं, हरे धनिया को पानी पी सकते हैं। ये सब औषधि है उसके। खारिश होती थी सिर में, बहुत खारिश थी, शिरोधारा कराया तब से ऐसे नॉर्मल हो गया। ऐसे कुछ था भी नहीं, ना डैंड्रफ था, लेकिन शिरोधारा तो पूरी खिली खिली लग रही है। हल्का हो गया और वैसे भी हल्का शरीर हो गया। और तेरा क्या ठीक हुआ भाई? स्वामी जी प्रणाम। ये तो पुरानी साधक है। स्वामी जी मेरा थायराइड था, मुझे लगा मैंने ये जो थायरोग्रीट खाई और धनिया का पानी पी, दिलीप जी ने मुझे बताया। हाँ। तो स्वामी जी के साथ है तो क्योर होना है। अब ठीक है ना? अभी पूरा क्योर है और 2 किलो कम हो गया। ला थायराइड ठीक कर लिया। ये हमारे दिलीप भाई का सहधर्मिणी है, योगिनी हो गई पूरी। तुम्हारा महाराज? पहले मेरे को डॉक्टर ने तेरा लीवर डैमेज हो गया बोला। फिर लीवर डैमेज हो गया? हाँ। फिर मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरे को फिर डिप्रेशन हो गया था और बाद में ऐसा डिप्रेशन 2 साल तक चला। उधर डॉक्टर के गोली। अब क्या हाल है? अभी एकदम अभी ठीक है। डिप्रेशन तो कहाँ चला गया। और वो लीवर? अभी लीवर का भी आपके एक बार अभी नेपाल में इतना दूर वो होता नहीं, फिर टीवी में देखा था वो क्या बोले लिवोग्रिट लिवामृत सर्वकल। वो नहीं, वो तो बाद में मिला भूमि वाला पुनर्नवा खेत में। वो पानी करके पहला आधा रोटी खाता था, अब 8 रोटी 9 रोटी खाता। आधा रोटी से 8 रोटी। मैं सबको क्या बोलना चाहता हूँ बोले मेरे को बरेली में उधर डॉक्टर ने और नेपाल में काठमांडू में वो याददाश्त पूरा चला गया था। तेरे को ये लीवर डैमेज हो गया करके मेरा याददाश्त पूरा खत्म डैमेज हो गया था। भूमि आंवला पुनर्नवा ये खेतों में होता है, वही पी लिया। फिर उसने अभी डर लग गया मेरे को, डर की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। चल आप बिल्कुल नहीं डरना। क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण, क्या बात। फिर उसके बाद स्वामी जी मैंने आपने ये मैं सुसाइड करने की सोच रहा था तो आपने बोला कि सवेरे मैंने टीवी देखा तो अचानक आप आ गए। फिर उसमें भ्रामिणी बोल दिया, भ्रामिणी मैंने आधे घंटे सुबह आधा घंटा दोपहर शाम को गया, 4 दिन में फिर बाइक लेके घूमने लग गया मैं। ये लो मरने की सोच रहा था भ्रामरी उद्गीत करके। दो दो दिन घर पे रखते थे, 3-3 दो जन मेरी बीवी वो पीछे पीछे चलती थी। अब कहीं मरना जाए अब मैं इधर हरिद्वार सब जगह अकेले आ रहा हूँ। सबको ये विश्वास हो गया अभी मरेगा नहीं, सिर्फ भ्रामिण से होता है सब। क्या बात है, ये जोरदार काम कर लिया भाई। अभी थायराइड का स्वामी जी ये लॉकडाउन की वजह से थायराइड हुआ है। अभी वो थायरोग्रीट और अभी इधर आगे इंग्लिश दवाई उधर फेंक के आया हूँ, अभी इधर थायरोग्रीट चालू करता है। डॉक्टर से मैं कभी चेक ही नहीं करता है, 12,000 लेता है वो चेक का। 12,000 लेते हैं उसका लीवर का। मेरा बाबा बिल्कुल थायराइड ठीक होगा। नाम के थारो? धर्मवती। धर्मवती हाँ बिल्कुल ठीक होगा बाबा। मैं 4-4 पाउच पर ढोरन को दूध काटू और फिर गोबर गेरू, सारा काम करना पड़े, दूध बिलो, सारा काम दूध बिलो रही देवी भी बैठी सारा काम करूं। सुबह 4 बजे उठूं और फिर ज्यादा तो योगा न हो, जब इतना काम हो तो फिर कैसे करूं मैं इतना योगा। ज्यादा तो न होता मैं पर मैं कर लूं, थोड़े थोड़े कर ले ना, वो आता ही गुजारा हो जाएगा तेरा। हाथ सुन्न होने लगा, दूध काटता हाथ सुन्न होने लग गया। अब इसमें
यहाँ से दवाई दे देंगे, सिलाजीत, अश्वगंधा, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, अच्छा। इम्यूनोग्रीट, उससे नसें मजबूत रहेंगी, 100 साल तक दूध काटती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तक भी होता है नेगेटिव तक, ये जो लीवर का प्रॉब्लम है नेगेटिव होता है 100%। अब तू एक रोटी से 8 रोटी खाने लग गया, इसका मतलब लीवर अच्छा ही तो हो रहा है, कैसे खाता? दूध ना पिए, दूध ना पीऊं मैं? ना ना, दूध पिया कर, कौन मना कर? दूध मत पिया, भैंस को ना गाय को, ना गाय का पिया कर। भैंस भी रखा है कि गाय? भैंस भी है, गाय भी है। हाँ तो गाय को तू पिला कर, भैंस ने औरों को बेच दिया। उसमें नट की ओर बोला बाबा जी, रिपोर्ट में नट की ओर बोला का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट में नट की ओर आया, बहुत साल से बहू अपने, वो रिपोर्ट छोड़ो, रिपोर्ट की बात मत सुनो, ये सब एलोपैथी वाले बोलते हैं, कोई बीमारी क्योर नहीं होते, हम कर रहे हैं ना क्योर। 5 साल से शराब पी लड़का, मैं तो 30 साल से फैटी लीवर और लीवर का प्रॉब्लम था, एसजीओटी कभी 150 कभी 200 हो जाता था। अब क्या हाल है? अभी तो 54 51। चलो अब और नीचे आ जाएगा। क्या नाम है? अनिल प्रसाद। अनिल, अब सर्वकाल लिवोग्रिड लिवामृत लेते हैं, खाते हैं और मंडू कासन और बस। जय हो मैया, तेरा बच्चे की दारू छुड़वा देंगे, चिंता मत कर, छुड़वा दे बाबा। आ जा इधर, आ जा। बहुत साल तक पीआर में है बहू, एक लड़का एक लड़की। हाँ बाबा जी, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था 3 साल से, जब आपने बोला ना सिंगल वाला, मैंने सिंगल लगाया बाबा जी, ठीक है, 5 किलो वजन कम किया बाबा जी और दर्द ठीक कर लिया। हाँ जी, सिंगल लगवाए ठीक करे। क्या नाम है? विमला देवी। कहाँ से आई है? मैं फरीदाबाद से, नरेश की बहन बाबा जी। अच्छा, नरेश की बहन। हाँ बाबा जी को मेरा प्रणाम। हाँ। मैं झारखंड से आई हूँ बाबा जी, मैं आस्था आजीविका सखी मंडल से हूँ और मुझे बच्चेदानी की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में सूजन आ गया और 1.5 महीने से मेरा पीरियड अभी जा रहा है और मेरे दोनों किडनी में स्टोन है बाबा जी। मेरा महिला मंडल जो है बहुत ज़्यादा है, मैं चाहती हूँ कि बहुत ऐसी दीदी का ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे कुछ उपाय बतावें और मुझे दवाई बतावें ताकि मेरा राहत हो और मेरी दीदी सबका भी राहत हो। तेरे सब दीदियों को ये सारा योग का पैकेज सीख के जा रही है ना? अभी तो आई हूँ। हाँ, तो सारा सीख के जाना और सबको सिखाना, सबको ठीक कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कर। और ये देखो, ये था, उस सुबह मैं बता रहा था ना, इधर ये तो लाइव एग्जांपल हो गया, इसके सारे सिर के बाल गायब थे और अब ये देखो करीब 70% बाल आ गए। अब ये तो जो है CRPF में है, जवान है ये, मेरे साथ साथ सुनता, ये मेरे को सुनता रहता था ड्यूटी करता करता, बोले स्वामी जी सबको बता रहे, चलो मैं अपने ऊपर ही ट्रायल कर लेता हूँ। और इसका ट्रायल ऐसा सक्सेस हुआ, ये आजकल केस कांती का सुपरस्टार बना हुआ है, सत्यम नाम है इसका, बिहार का बालक है। और कौन सा जिला पड़ता है? लखीसराय। लखीसराय गांव का नाम? घोंगसा। घोंगसा गांव है इसका, अखबार में भी विज्ञापन दे दिया मैंने इसका। मैंने कहा सब प्रेरणा लो। ये फल अभी तो इसका आप आम का पना बना के खा सकते हो, वैसे तो अभी इसको थोड़ा पेपर में रख देंगे तो पक करके भी बहुत स्वादिष्ट ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे जैसे आम के फल हैं, ऐसे योग का फल, योग के फल हमने इस देश को दिए। योग के द्वारा लोगों का थायराइड ठीक हो गया, योग के द्वारा लोगों की किडनी ठीक होगी, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो गए, लीवर किडनी फेलियर ठीक हो गए, माने जो संसार में असाध्य माने जाते थे वो सारे रोग हमने योग से मिटा दिए। मैं सबसे आह्वान करूँगा कि आप इन बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, दवाओं से पिंडा छुड़ाना चाहते हो, बहुत देर हो गए दवाओं का जहर खाते खाते, और ये अलग अलग केमिकल सॉस हार्मोन्स की दवाइयाँ या अलग अलग एंटीबायोटिक्स पेन किलर स्टीराइड और बायोलॉजिकल, और खाते खाते बीमारी कोई मिटी नहीं, दवाइयों और दवाओं के एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, उससे जिंदगी नर्क बन गई है। अब आप यदि सब रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो खैर यहाँ ये सुरम्य वातावरण है प्रकृति का, प्रकृति के बीच में, निसर्ग के बीच में, पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है, और इस पर यहाँ सारी योग यज आयुर्वेद नेचुरोपैथी की सारी प्रक्रियाएं, पंचकर्म षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर मेडिकेटेड फूड, सिरोधारा अक्षितर्पण कर्णपूर्ण नस्य रक्तमोक्षण सींगी, सारी नई नई पूरी प्रक्रियाओं का समावेश करते हुए और आपको असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, तो आप भी
8954890210 पर संपर्क करके आप आ सकते हैं। और अभी गर्मी के समय बच्चों को भी साथ में ला सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चों के साथ में आप आते हैं तो आपके बच्चों को भी हम संस्कार देने का काम करते हैं। इधर बाबू, अब जैसे इसको कोई रोग नहीं तो इन बच्चों को सुबह शाम तो योग कराते हैं, फिर दिन में आज आपको श्लोक याद करवाएंगे, संस्कृत के मंत्र और सूत्र याद कराएंगे। तो बच्चों को समर वैकेशन में साथ में ला सकते हैं। पहले योगग्राम निराम में हम बच्चों को लाने के लिए मना करते थे, अब यह हम बच्चों के साथ आपको बुला रहे हैं कि आप सुबह शाम और दिन भर थेरापी लेते हैं तो बच्चों को सुबह से शाम तक, सुबह शाम योग कराने के लिए दिन भर उनको सत्संग कराएंगे, स्वाध्याय कराएंगे, सूत्र मंत्र अलग अलग स्तुतियाँ याद कराएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को संस्कार देने का काम करेंगे। तो आप बच्चों को भी लेकर के आइए, उनको भी हमने ये समर संस्कार शिविर रखा है बच्चों के लिए, तो उसमें आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं। बहुत माता पिता की डिमांड थी तो हमने उसकी भी पूर्ति करती है। तो आइए आप भी वेलनेस में आकर के आरोग्य पाइए और अपने रोगों से मुक्ति पाइए, अपने विकारों से मुक्ति पाइए। जीवन मुक्ति का महामंत्र है ये योग और पतंजलि वेलनेस। सो नाम से तारु महाराज, मारु नाम पीनल छे। हाँ पीनल, ये छोकरी तो खूब मजा करे छे, दर रोज आम जारे हूं आऊं ना आम हसे से कि जे हम जेने हम जीता जी स्वर्ग मिली गयो। हां तो क्या क्या बीमारी ठीक हुई हिंदी में बोल। मेरा पैर का वो लिगामेंट टूटा हुआ था तो आपने बोला कि ताड़ासन करना है, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अभी 2 महीने के लिए रेस्ट बोला था डॉक्टर ने और बोले थे ऑपरेशन करना है। मेरे फूआ बोले नहीं तुमको ऑपरेशन नहीं करवाना है, पहले तुम बाबा स्वामी जी से मिल लो फिर जो करना है करो। और यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, मैं सबको बोल रही हूँ कि नहीं यही आओ और यही। 2 महीने रेस्ट बोला था और बाद में बोले तेरे ऑपरेशन करेंगे। हाँ ऑपरेशन कर, ताड़ासन कर, पैर को आगे पीछे खींच। हाँ और मेरे को है ना थैलेसीमिया माइनर भी है, मेजर नहीं माइनर भी है, तो बोले कि नहीं तुम वहीं जाओ और वही करो। अब तेरे हीमोग्लोबिन 10-12 कर दूंगा। ठीक है बाबा, माइनर से पूरा खत्म। और तेरा वो लेगामेंट का दर्द क्या हाल है? बहुत अच्छा है, मैं इतना 2-3 किलोमीटर तो हो ही जाता है यहाँ चलने का। 2-3 किलोमीटर घूमती है जिसको बोला था बेड रेस्ट करना। हाँ और सिंगी भी लगवाई थी। सिंगी लगाई थी तो इतना अच्छा, पहले दिन आई मेरे को पता ही नहीं था और वैसे यहीं से चली तो बोले सिंगी लगा लो, मेरे दर्द है तो पहले दिन ही इतना अच्छा हो गया कि मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को दर्द है ऐसा। सिंगी लगाना ही चाहिए सबको। सिंगी भी लगवा ली, सिरोधारा भी करवाई। सिरोधारा भी करवाई और अक्षय तर्पण। अक्षय तर्पण भी हुआ, यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सब ट्रीटमेंट इतनी अच्छी। नसिया भी करवाया। नसिया भी करवाया और मसाज। मसाज तो इतना अच्छा। थेरेपी में भी भूत नहीं बन के देखा? नहीं वो अभी नहीं हुआ है। उसमें वो नहीं उसमें हुआ पूरा है, एकदम पूरा लगा लो लपेट लो मिट्टी का वस्त्र जैसा बन जाता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहनों का बहुत अलग से, भाइयों का अलग से, और अब तो डबल कैपेसिटी कर दी है मैंने उसकी, इतना कर दिया कि एक साथ 50-100 बहनें कर सकती हैं। अभी भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी और बढ़ा दिया उसको। मठ थेरापी करो पूरा, सन थेरापी करो। मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसको बोली तुम और जगह घूमने मत जाओ, साल में एक बार इधर ही आ जाओ, और 2-3 लोग को मैं मेंबरशिप दिला रही हूँ महाराज से। रोज प्रचार कर रही है अभी। इसको देना। थैंक यू बाबा जी। ये बहन जी भी ज्यादा ही खुश हो रही है। जय श्री राम महाराज। ओम 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 बाबा जी। ए सब अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती पूरा हो गया। ओम बाबा जी। उज्जाई करना वो भी कर लो। जी बेटा। बाबा जी ओम, आपसे 16-17 साल से जुड़ी हुई हूँ, रोज क्लास लेती हूँ, अपने जनकपुरी दिल्ली से आई हूँ मैं। मेरा नाम वंदना उपाध्याय है और आपसे मन से प्राण से आत्मा से जुड़ी हुई हूँ। रोज आपके लिए डायरी लिखती हूँ बाबा जी, मेरी 17-18 डायरी भर चुकी है। मैं जी नहीं, सारे दिन मेरे घर में आस्था चलता है और मैं बस वही करती हूँ, वही सोचती हूँ, वही देखती हूँ। और मेरा मन है मैं आखिरी सांस तक प्राणायाम करके आपके साथ तब संसार से जाऊँ, और जब जाऊँ उसके बाद आपके पास वापिस आऊँ छोटा बच्चा बन के, फिर मेरी यात्रा आपके पास से शुरू हो। मेरा यही मन में संकल्प है और कोई संकल्प नहीं है। अभी मेरी भाभी श्रीमती मनोरमा अवस्थी जो जिला प्रभारी थी शाहदरा की, अभी कुछ समय पहले गुजर गई बाबा जी, वो लगातार योग कराती थी। भगवान ने बस जैसे हमारे उनके साथ हुआ राजीव दीक्षित के साथ, अचानक उनको हृदयाघात हुआ, लेकिन वो आपका ही नाम ले रही थी और रोज बोल रही थी कि मुझे उनसे मेरी बात करा दो, बाबा जी से कोई मेरी बात करा दे तो मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। उनको इतना विश्वास था आपके ऊपर, वो बाबा जी फिर पैदा होकर आपके पास ही आएंगी। हाँ ये बात तो सही है।
मनोरमा वस्ती उनका नाम था, प्लीज उनके लिए मेरी भी प्रार्थना है, भगवान जी के आरजे लगा दूंगा, मैं बुला लूंगा उसको। जी जी धन्यवाद बाबा जी। ये कितने साल की हो गई तुम? मैं जी 57 साल की बाबा जी, मैं 57 57 की और है? मैं पूरा योग करती हूँ और जवान बेटियों की तरह योग करती हूँ और कराती है, रोज कराती हूँ बाबा जी और आखिरी सांस तक कराऊंगी। हाँ। मैं आपकी एकलव्य जैसी भक्त हूँ बाबा जी, जब तक जीऊंगी आपके साथ जीऊंगी और अगले जन्म में भी फिर आपके पास ही आऊंगी। आएगी, पक्की आएगी। वंदना, क्या नाम? जी वंदना उपाध्याय। वंदना उपाध्याय, क्या तेरा वंदना सुन लिया हमने, धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी। उपाध्याय कहते थे जो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ते पढ़ाते थे। अब ये चलो, ये तो उपाध्याय सरनेम आ गए, लेकिन अब ये सच्ची उपाध्याय बन गई है, सबको योग करवा रही है, तो उपाध्याय इसका सरनेम भी इसका सगुण हो गया, साकार हो गया।